हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो यहाँ पे मैं एक देखो ओवल शेप ले रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली सर्कल है, थोड़ा सा ओवल, एंड देन यहाँ पे नीचे बॉडी का शेप आएगा, इसीलिए ऐसे लंबे टाइप में एक हम लोग ओवल शेप लेंगे, राइट। यहाँ पे मैं आपके लिए एक बर्ड का पेंटिंग लेके आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई पेंटिंग का वीडियो अपलोड नहीं किया था, सो आज मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैं बना रही हूँ उसके बॉडी को, जो हमारा दो हम लोग सर्कल्स जो कि एक ओवल शेप लिए है और एक थोड़ा सा राउंड है, नॉट एग्जैक्टली राउंड, सो उस दोनों शेप को लेके एक बर्ड का हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। नीचे मैं यहाँ पे टेल बना रही हूँ और यहाँ पे बॉडी का जो उसका पंख का जो फेदर का जो पोर्शन है उसको यहाँ पर मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है, बस सिंपल सा एक ड्राइंग है। यहाँ पे नीचे हम लोग कुछ ट्रीज़ बनाएंगे, छोटा दो ट्रीज़ होगा जिसके ऊपर वो एक ब्रांच के ऊपर वो बर्ड बैठे रहेगी। इसी तरह आपको इसका हेड बनाना है और इसी तरह आपको बॉडी बनाना है। यहाँ पर से नीचे से हम लोग एक ट्री एंड नीचे थोड़ा कुछ पानी होगा, तो ये इस तरह से ट्री मैंने आपको पहले भी बहुत सारा बताया है कि किस तरह से बनाते हैं। ये डिफरेंट ब्रांचेस मैं बना रही हूँ। इस वाले ट्री में ये एक्चुअल में एक ड्राई ट्री है, यानी कि इस पर कोई लिप्स नहीं है, तो इसी तरह से जस्ट ब्रांचेस हम लोग को ऐड करना है। यहाँ पे बस और एक है जिसके ऊपर हमारा जो चिड़िया है वो बैठी है, यानी कि बर्ड्स जो है वो बैठी है, राइट। इस पर यहाँ पे उसका चोंच वाला जो एरिया है उसको मैं थोड़ा सा लंबा करूँगी और यहाँ पे सेपरेट करूँगी। यहाँ पे इस तरह से उसके आईज हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे फेस को जो है वो मैं दो साइज में उसको दो शेप्स में डिफ्रेंशिएट करूँगी। यहाँ पे एक पोर्शन देखो जैसे कि एक बी का जो शेप होता है उस तरह से मैंने दिया है फेस में, वहाँ पे फिर मैं आईज को फिर से ड्रॉ करूँगी, इसी तरह से आईज बनेगा। फिर यहाँ पे हम लोग कलरिंग पोर्शन में आते हैं। पहले मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है जो कि मीडियम येलो कलर है। पहले हम लोग यहाँ पे मैंने जो ब्रश लिया है वो 10 नंबर का मेरा राउंड ब्रश है। कुछ पानी हम लोग अप्लाई करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं, बस थोड़ा सा। देन हम लोग यहाँ पे मैंने पोर्शन ब्लू कलर लिया है। पहले मैंने दोनों कलर लिया है, जैसे कि एक येलो मैंने आपको बता चुकी हूँ, दूसरा जो है हमारा ब्लू कलर है। तो इस तरह से हम लोग ब्लू कलर यहाँ पे स्काई का जो इफ़ेक्ट है वो लाने के लिए ब्लू कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोई भी मैंने डार्क कलर डार्क शेड जो है वो मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर नॉर्मल आपको लाइट शेड ही यूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितना थोड़ा सा कलर लिया था और उसको फिर से मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ। और इस तरह से करने से क्या होगा, कहीं पे थोड़ा अगर वाइट पोर्शंस है एंड जैसे कि थोड़ा डार्क और थोड़ा लाइट हुआ, तो इस पर क्या होगा, हम लोग को क्लाउड का जो है स्काई का जो है वो इफ़ेक्ट पता चलेगा। आप देख सकते हो बीच में कैसे थोड़ा सा वाइट वाइट मैं छोड़ी हूँ, मतलब वाइट पोर्शंस मैं यहाँ पर छोड़ दी हूँ। इस तरह से आपको स्काई कलर करना है। एज हम लोग अभी उड़ीसा जा रहे हैं तो मे बी 1-2 डे इधर उधर हो सकता है वीडियो भेजने में, बट डेफिनेटली मैं हर वीक आप लोग के पास ये वीडियो भेज दूँगी, जो भी वीडियोस मैं बनाए होंगे आपके क्लासेस के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो स्काई कलर जो मैं दी थी उसका इफ़ेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। देन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ, ठीक
ठीक है, आधा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्काई रहेगा, नीचे थोड़ा सा येलो रहेगा। उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक देने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम लोग को कुछ पोर्शंस में येलो कलर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। मैं वो वाला पोर्शंस फिर से आपको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी, जैसे मैंने पहले क्लासेस में भी किया है। यहाँ पे फिर से मैंने रेड कलर लिया है, आप लोग देख सकते हो बर्ड का जो नीचे वाला पोर्शंस है वहाँ पे मैंने पहले येलो दिया है और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर ही रेड देंगे। आई थिंक ये बीच वाला क्लिप मिसिंग हो गया, आई एम सो सॉरी। लेकिन पहले येलो देने के बाद हम लोग यहाँ पे ज़ीरो कलर, ज़ीरो नंबर का जो ब्रश है वो लेके मैं रेड कलर दे रही हूँ। ओके, हल्के हाथों से देना ताकि जो ब्लेंडिंग आपको पता चल रहा होगा। देखो नीचे की तरफ से थोड़ा सा बस पानी और रेड कलर लिए। यहाँ पे मैंने अभी येलो ले रही हूँ क्योंकि नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट हुआ था, और डार्क करने के लिए येलो कलर ले रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे रेड कलर कर रही हूँ मैं। ऊपर का जिस तरह से शेड की हो ना उसी तरह से हम नीचे तरफ से भी थोड़ा रेड का इफेक्ट देंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसका टेल फर्स्ट कर दे रही हूँ, टेल में भी मैं रेड कलर यूज़ की हूँ। हम लोग पतला जो भी सरफेस रहेगा वहाँ पे कलरिंग के लिए हम लोग जो ज़ीरो नंबर का ब्रश है वो यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे मैंने जो पर्शियन ब्लू कलर ऊपर स्काई के लिए लिया था वही कलर थोड़ा डार्क में, मतलब पानी वानी कुछ भी मिक्स नहीं करना है, और वो ले रही हूँ उसका जो डिफरेंट कलर का, उसका टेल्स का कलर जो है ना वो डिफरेंट कलर देने के लिए, थोड़ा वाइब्रेंट लगेगा बोल के मैं यहाँ पे ब्लू कलर का, पर्शियन ब्लू का मैं इफेक्ट दे रही हूँ। अभी उसके हेड वाले पोर्शंस में वही पर्शियन ब्लू का जो पीछे वाला एरिया है जहाँ पे आईज है और मतलब ये वाला पोर्शंस में हम लोग फिर से ब्लू कलर देंगे। लाइट और डार्क कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और वाइब्रेंट लुक देता है। आपकी जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो काफ़ी सुंदर एट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ किया है। सॉरी, मैं यहाँ पे बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा कलर है, इसलिए मैंने उस टाइम में जो बर्ड का जो नीचे वाला पोर्शंस में हम लोग रेड शेड देंगे बोल के बता दी थी, वहाँ पे मैंने खाली येलो कलर किया है। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं था कि मैंने वहाँ पर रेड कलर यूज़ नहीं किया है जो टेल के पास वाला पोर्शंस है। अब इतना पोर्शन हम लोग ब्लू कलर करेंगे, देन येलो ऑकर कलर मैं यूज़ करूँगी बाकी जो रिमेनिंग फेस वाला पोर्शन है वहाँ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वही ज़ीरो नंबर ब्रश लिया है।
फिर हम लोग पीछे का जो फेदर वाला पोर्शन है उसको करेंगे, और उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं येलो और जो हमारे पास ग्रीन कलर है डार्क ग्रीन, दोनों का मिक्स करके लाइट शेड एक क्रिएट करूँगी, लाइट ग्रीन कलर का क्रिएट करूँगी शेड। यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर लाइन यानी कि साइड में पहले मैं यहाँ पे कलरिंग दे दी हूँ। फिर इसी कलर को हम लोग वाटर की यूज़ से ना थोड़ा सा लाइटर शेड बनाएंगे, मतलब लाइटर शेड जो है वो क्रिएट करेंगे। बस मैंने यहाँ पे डार्कर शेड ले लिया और उसी शेड को हम लोग को स्प्रेड आउट करना है पूरा फेदर वाले पोर्शंस में। यहाँ पे थोड़ा और शेप देंगे इसको। यहाँ पे जो ब्लू मैं ऊपर यूज़ की थी वही वाले नीचे वाले पोर्शंस में भी यूज़ करूँगी। यहाँ पे हम लोग लाइटर वाला शेड यूज़ करेंगे क्योंकि नीचे जो है वो फिर हम लोग को पानी का इफेक्ट देना है। सो वही ब्लू कलर नीचे भी यूज़ होगा, इसलिए ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो पोर्शंस होगा वो थोड़ा सा लाइट हो। आप लोग जब भी ये ड्राइंग सब बना रहे हो उसके बाद मेरे को जो आपका पिक है जो लास्ट इमेज वो है वो मुझे शेयर करना। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है राइट, तो ये कपड़ा कब यूज़ करोगे? अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पानी अगर आपके पेंटिंग में हो गया है, जैसे कि बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो उसी जगह पे, यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड यूज़ करते टाइम वहाँ पे आप ये कॉटन का जो कपड़ा रहता है उसको डैप करके जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल सकते हो, तो वो जो हम लोग का कपड़ा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा आएगा। यहाँ पे फिर मैं ग्रास बना रही हूँ, ग्रास के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है, और डार्क ग्रीन कलर इसी तरह से आपको जस्ट नॉर्मल थोड़ा ही पानी मिला के आपको देना है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड को सूखने के बाद जो है ग्रास का इफेक्ट आप क्रिएट करना, इसी तरह से एक पॉइंट में हम लोग का मतलब ब्रश जो है उसको रखना है और आगे की ओर खींचना है, बस फ्रीली एक पॉइंट से आपको ब्रश को रखना है और इस तरह से आपको खींचना है। इस तरह का आप ब्रशेस टाइप का कितना भी ग्रासेस यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो ही जो इफ़ेक्ट यहाँ पे दिया है, तो बस ब्रश को एक पॉइंट में रखना है और फिर इसको इस तरह से खींचना है। ये वाला नॉर्मली आप पेंसिल शेडिंग में भी ये वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई कर रहे होगे, तो इसी तरह से आपको बस करना है। यहाँ पे पानी का इफेक्ट देंगे हम लोग थोड़ा डार्क ब्लू जो कि पर्शियन ब्लू ही है, ज़्यादा पानी नहीं देके डार्क वाला कलर से इसी तरह से आपको पानी का जो है वो इफेक्ट आपको क्रिएट करना है। ये पानी का जो वेव्स है उसी को डिफाइन कर रहा है।
देन हम लोग यहाँ पे ट्रीज का जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारा जो ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर यहाँ पे यूज़ की हूँ। पहले पहले पूरा ट्री का जो पोर्शन है उसको लाइट ब्राउन से हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरह से जो ब्राउन कलर है वो यूज़ कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे मैंने 0 नंबर ही ब्रश लिया है। ऐसे यहाँ पे फाइन लाइंस है, छोटे छोटे लाइंस हम लोग को क्रिएट करना है ब्रांचेस का। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे 2 नंबर का ब्रश ली हूँ, राउंड ब्रश नंबर 2, एंड हम लोग ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं। ब्राउन मीन्स जो नॉर्मल ब्राउन कलर होता है वो। लाइट ब्राउन मैंने पहले यूज़ किया था, देन ब्राउन कलर, एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक कलर। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं, जो साइड है जहाँ पे लाइट्स नहीं आ सकता है उस वाले पोर्शंस को थोड़ा डार्कर इफेक्ट देने के लिए हम लोग ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। इसी तरह ब्राउन कलर देने के बाद फिर से मैंने 0 नंबर ब्रश लिया है एंड यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आपको ब्लैक को जो है उसको स्मर्ज करना है। तो आप केयरफुली इसको देखिए एंड आराम से घर में कीजिए।
देन यहाँ पे एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स है उसका आउटलाइन करेंगे ब्लैक कलर से। अगर आप लोग जीरो नंबर ब्रश से नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ब्लैक कलर का मार्कर या फिर ब्लैक कलर का पेन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए। मैं यहाँ पे जीरो नंबर का ब्रश एंड ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ।